क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं, सॉरी असाइनमेंट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड 210 वोल्ट एंड 630 वॉट, ठीक है। तो व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द एलिमेंट, मीन्स एक एलिमेंट है, एलिमेंट बोले तो कुछ इस तरह से रेसिस्टर होगा या बल्ब होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। इस पे 630 वोल्ट जो है मार्क किया हुआ है, और 630 वाट और 210 वोल्ट, ठीक है। तो आपको बोल रहा है यानी कि 210 वोल्ट ये जब सप्लाई इसको मिल रही होगी, ठीक है, और ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, 630 वाट। तो ये जो है आपको पावर दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। तो वोल्टेज और पावर से करंट का क्या रिलेशनशिप होगा, तो हम लोग जानते हैं P इक्वल्स टू वी आई होता है ना। इट मीन्स वी कैन से दैट आई इक्वल्स टू पी अपॉन वी, ओके। सो पावर इज 630 वॉट एंड वोल्टेज इज 210 वोल्ट। सो व्हाट डू वी गेट, 0 0 कैंसिल, 621 थ्री जा 63, सो वी गेट आई इक्वल्स टू 3 एम्पियर, ओके। इसी का सेकेंड पार्ट आपको बोल रहा है, इवन कनेक्टेड टू अ 210 वोल्ट डीसी, मीन्स व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, हम लोग यहाँ पर अब ओम्स लॉ लगा सकते हैं, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा, ओके। आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। यहाँ से आप देख सकते हैं वी आपको जो है कितना है, 210 वोल्ट है, और आई आपको कितना दे रखा है, आया अभी 3 एम्पियर। तो 3 7 21, सो आर कम्स आउट टू बी 70 ओम, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्वेश्चन थोड़ा फेड है, क्लियरली विजिबल है कि आप लोगों को या नहीं है? यस सर, विजिबल। विजिबल है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 ओम रेसिस्टर, तो व्हाट इज द रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यानी हीट एनर्जी का रेट बोल रहा है, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हीट एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि इफ एनी एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला हम लोग कल पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट पिछले क्लास में, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो आई आपका कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, इंटू आर कितना है, 12, 16 इंटू 12 करेंगे आपका 192, और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, तो आंसर वाट आ जाएगा, ठीक है, 192 वाट। समझ आ रहा है सबको, एनी प्रॉब्लम? यस ठीक यस है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए 10 वोल्ट स्टोरेज बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, इन नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में आज, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसी के बारे में होगी, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 50 ओम रेसिस्टर, ठीक है, मेड ऑफ एलॉय मैग्नीन। मैग्नीन जो है एक एलॉय है, दो या दो से अधिक मेटल से मिलकर बना हुआ है। तो इस मैग्नीन का जो वायर है, ठीक है, उसका रेसिस्टेंस आपको दे रखा है क्वेश्चन में 50 ओम, और वोल्टेज उसके अक्रॉस कितना है, 10 वोल्ट। सो हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टर इन 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे में कितना हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। सो एच इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था एच अपॉन टी इक्वल टू पावर था, और पावर की वैल्यू थी आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, है ना। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वही है ये। तो उसी फॉर्मूले से बेस यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करंट नहीं दिया हुआ है, तो करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी अपॉन आर रख देंगे ओम्स लॉ से, ठीक है। तो वी अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर टी, तो एक जो है आर स्क्वायर से एक आर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। तो वी की जगह पे कितना रख देंगे, 10 वोल्ट, ठीक है, और आर कितना है, 50 ओम। तो 10 वोल्ट इसका स्क्वायर
इनटू में टाइम कितना था, 1 आवर डिवाइडेड बाय आर, है ना, वी स्क्वायर यही था ना, एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। तो वी 10 वोल्ट है तो 10 का स्क्वायर इंटू टाइम 1 आवर है, 1 आवर को मिनट में पहले चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा टाइम को सेकंड में रखना ऐसा यूनिट में। और रेसिस्टेंस आपका क्वेश्चन में गिवन था 50 ओम, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 1 0, 5 से ये 2 हो गया 10, ठीक है। 6 × 6 कितना हो गया, 36 इंटू 2, और उसके ऊपर में कितना जीरो है, यहाँ पे 1 0 1 0, तो 2 0 यहाँ पर डाल दीजिए, तो कितना हो गया 36 × 2 72 100 हीट एनर्जी है, तो उसका यूनिट जो होगा वो जूल में हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत किसी को समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समझ आ रहा है सबको या दिक्कत है इसमें कुछ? कोई आ कुछ रहा नहीं है, बोल रहे हैं, आ रहा है ना समझ में सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग ऑन अ 50 वोल्ट डीसी सप्लाई ड्रॉज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, ठीक है। यानी कि एक मोटर है, मोटर आप जानते हैं वो क्या करता है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उसको कोई भी मैकेनिकल एनर्जी में, यानी पानी हवा ये सब देने का काम करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि 50 वोल्ट डीसी मोटर है और वो 12 एम्पियर करंट को सप्लाई करता है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 30%, यानी कि एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जैसे कल मैंने आपको असाइनमेंट 5 और 6 दिया था, ठीक है, तो आई होप कि 5 और 6 मिला के शायद 6 और 6 12 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 6 और 6 12 क्वेश्चन होंगे। तो अब 12 क्वेश्चन क्या था, आपको क्या मिला है, इनपुट मिला है, ठीक है, 12 क्वेश्चन का आपको क्या मिला है, इनपुट, ठीक है। और जब आपसे हम मांगे कि चलिए आप सॉल्व करके दिखाइए, तो आपने क्या किया, किसी बच्चे ने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को भेज दिया, ठीक है। मैं कुछ कुछ बच्चों से कल मैंने मांगा था कि आप बताइए सॉल्व करके दीजिए, तो किसी बच्चे ने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एफिशिएंसी क्या है, 12 को 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, है ना, तो ये जो है 12 को 3 से नहीं, 3 को 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/4, और 1/4 को आप परसेंटेज में चेंज कर दीजिए तो ये कितना हो गया 25%। आप ऐसे भी समझ रहे हैं कि 1/4 उसने करके दिया काम, 1/4 का मतलब होता है 25%, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हुई, 25% हुई, समझ में आ रहा है। किसी बच्चे ने अगर 12 क्वेश्चन मैंने दिया था, उसने अगर 12 के 12 क्वेश्चन अगर पूरा मेरे को करके दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एफिशिएंसी 100% है, समझ आ रहा है सबको। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप उसमें से पूरी की पूरी बातें अगर 100% बातें समझ में आ गई तो 100% एफिशिएंट है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे को अगर आधी बातें समझ में आई आधी नहीं आई, तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है, 50% है, बात समझ में आ रहा है। इसलिए एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज आउटपुट अपॉन में इनपुट, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, एफिशिएंसी का मतलब समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आया, कि फिर से और समझाऊं, कोई भी चीज कितना एफिशिएंट है, तो एफिशिएंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में आउटपुट अपॉन इनपुट डाल देते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर है, जितनी एनर्जी ये लेता है बेचारा, उसका सिर्फ और सिर्फ 30% को यूटिलाइज कर पाता है, बाकी 70% उसका जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाता है। किस चीज में वेस्ट होता होगा बताइए, मोटर में, मोटर में जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो सिर्फ 30% यूज कर पाता है, यानी जो पानी दिया आपको, हवा दिया, वो ओनली 30% वो वर्क किया, बाकी 70% कहाँ चले जा रहा होगा, उसके रेसिस्टेंस में। उसके रेसिस्टेंस में का मतलब उसको वो हीट हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस कर लेता है, और हीट प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से, उसकी वाइंडिंग्स होगी मोटर के अंदर में, बहुत सारे क्वाइल्स रैप किए हुए होते हैं, तो उनके वाइंडिंग की वजह से मोटर में जो है, मोटर की वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस होगा, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, समझ आ रही बात आपको। तो यानी कि 70% जो है वो हीट में चले गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बस हम लोग यही काम करेंगे अभी, क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट द रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द मोटर।
तो 50 वोल्ट है और करंट 12 एम्पियर है, तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट। ठीक, करंट कितना दिया हुआ है, 12 एम्पियर। ठीक है, समझ गए। तो अब ये जो है, जो इसका हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा उसकी वाइंडिंग्स में, वो कितने के बराबर हो रहा होगा, 70% ऑफ द इनपुट पावर, है ना, ऑफ द इनपुट पावर। इनपुट पावर का मतलब वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, इनपुट उसको कितना मिला था, 50 वोल्ट मिला था और 12 एम्पियर। तो 12 इंटू 50 अगर आप करके देखेंगे, यानी कि 70% ऑफ, 70% मतलब 70/100 ऑफ 12 इंटू 50। ठीक है, इतना उसको इनपुट वोल्टेज मिला था, सॉरी इनपुट पावर मिला था, यानी हम लोग बोल सकते हैं 12 इंटू 50 बोले तो 600 वाट जो है उसको हम लोगों ने सप्लाई दिया था। उस 600 वाट का 70% वो जो है बेचारा क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यानी बचा कितना, 12 फाइव जा 60 इंटू 7, 6 7 जा 420। ठीक है, 6 7 जा 42, तो 420 वाट जो है पावर उसने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। हरी बात समझ में सबको, बोलिए। बाकी यानी कि 30%, यानी कि 600 वाट था उसका 30% इसमें से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 30%, यानी कि 600 में से 420 माइनस कर दीजिए, तो यानी सिर्फ और सिर्फ वो 180 वाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर सका, यानी यूटिलाइज कर सका, बाकी 420 वाट जो है उसने बर्बाद कर दिया। ओके, इस 420 वाट यानी कि पावर आपको आ गया 420 वाट। आपसे पूछ रहा है कि उस वाइंडिंग का रेसिस्टेंस कितना है, तो आप यहां से पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आर इज इक्वल टू यहां से आपका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी, और वी वोल्टेज कितना ले रहा है, वो वोल्टेज 50 वोल्ट। ठीक है, तो 50 इंटू 50 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 420। एक जीरो यहाँ से खत्म, और ये हो गया 2 से 21 और 2 से 25। ठीक है, तो 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125, और डिवाइडेड बाय 21। ठीक है, तो ये कितनी बार में कट रहा है, 5 से 6 के बीच में होगा इसका आंसर आपको। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, रेसिस्टेंस वी इक्वल टू आई आर लगा देते हैं, क्या गड़बड़ किया, वी इक्वल टू अगर आई आर लगाते हैं तो आई आर इक्वल टू वी अपॉन, यानी वी कितना है, 50 अपॉन में आई हमारा दे रखा है क्वेश्चन में 12। ये तो आपका इनपुट था, ठीक है, आउटपुट से ही तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पावर, सही तो है सब कुछ, 420 वाट। ओके, तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। एक बार और करके देखते हैं कैलकुलेशन, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट अपॉन में आर रेसिस्टर, सॉरी अपॉन में पी, तो दिस इज 420। एक जीरो कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो कुछ क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर वहां से आ रहा है, अगर हम पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर करते हैं तो आर इक्वल टू पावर अपॉन आई स्क्वायर होना चाहिए। पावर आपका 420 डिवाइडेड बाय आई, आई आपका कितना है, 12 इंटू 12। ठीक है, तो 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 होगा। कौन ये माइक ऑन कर रहा है, ठीक है, 420 डिवाइडेड बाई 144 करके देखिए कितना आ रहा है,
2.91 ये आ रहा होगा आपका, मतलब 144 है तो 140, 14 3 जा 420 है ना, मतलब 14 3 जा 42 होगा, तो लगभग 3 के आसपास आ रहा है, तो इसका आंसर जो है आपका 2.9 ओम आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ भी कुछ हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं पता नहीं अभी। V पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, तो R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P, पावर वोल्टेज आपका 50 वोल्ट है, तो 50 × 50 डिवाइडेड बाई पी 420 2500। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसको ऐसे कीजिए, नेक्स्ट इसको मैं और भी अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, क्या गड़बड़ हो रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है ना, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर से हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं रेसिस्टेंस इसका फाइंड कर लिए। ठीक है, ओके, वोल्टेज वाला जो है इक्वेशन पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर नहीं लग रहा है इसमें, और नहीं लगने के पीछे ये होगा कि क्योंकि वोल्टेज जो हम इसको इनपुट वोल्टेज दे रहे थे वो 50 वोल्ट, ठीक है, तो इस वजह से कुछ उसमें प्रॉब्लम होगा। मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपको क्या है उसका लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अ 10 वोल्ट बैटरी इज ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक है, क्या बोल रहा है, 10 वोल्ट की बैटरी है और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, और उसको चार्ज कर रहे हैं 200 वोल्ट से, मतलब एक, यानी एक तरह से आप ऐसे समझिए कि एक छोटा सा जैसे मोबाइल वगैरह की कोई बैटरी है, उसको हम 200 वोल्ट की बैटरी से उसको चार्जिंग कर रहे हैं। ठीक, तो यानी कि जो नेट आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा या नेट ईएमएफ वो कितना होगा, क्योंकि 200 वोल्ट डीसी है, उसमें से 10 वोल्ट तो चार्ज होने में लगा देगा, तो यानी इसके पास कितना बच रहा होगा, 190 वोल्ट। ओके, समझ आ रहा कि नहीं, 200 वोल्ट डीसी सप्लाई है, अब उसमें हमने क्या किया, 10 वोल्ट की बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया, तो यानी 10 वोल्ट तो वो खुद ले लेगा, तो इसके पास कितना बचेगा, 190 वोल्ट। ठीक है, और इफ द रेसिस्टेंस ऑफ चार्जिंग द सर्किट इज 38 ओम, और रेसिस्टेंस भी आपको मालूम है, ठीक है, 38 ओम, तो अब आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो पावर इक्वल्स, सॉरी, वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, यहाँ से अब इसको आप क्या कर सकते हैं सॉल्व करते हैं, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो हम लोगों से पूछ क्या रहा है, I, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 190 वोल्ट, और R कितना दे रखा है, 38, तो 190 डिवाइडेड बाई 38, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कट पीट के 5 के बराबर आएगा, तो करंट कम्स आउट टू बी 5 एम्पियर। ओके, आ रहा समझ में सबको इतना, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब कर लिया था आप लोगों ने या नहीं किया था, अभी इसको ये जो बता रहा हूँ इससे, ये सब एक्चुअली क्लास 10th की चीजें हैं, बट सिचुएशन जब मैंने कल कई बच्चों से क्वेश्चन इसके सॉल्यूशन मांगे, तो मैं इसलिए मांगा था कि मैं सोचा था कि ये सब बताना नहीं पड़ेगा, ये सब डिस्कस नहीं करना पड़ेगा क्लास में, बट मैक्सिमम बच्चों ने देखा कि सब कंफ्यूज थे आप लोग, यानी 10th में इस चैप्टर को ठीक से पढ़े नहीं है। ठीक है, और ये चैप्टर का अगर ये पोर्शन आपको नहीं आता है तो अभी आने वाले इस चैप्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस वजह से मैं इसलिए आज कुछ नया नहीं करा के इसी सबको डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप आगे दिक्कत ना फील करें। ओके, ये सारे बेसिक्स थे, आज ये दोबारा सभी बच्चे ये दोनों असाइनमेंट्स हैं 5 और 6, आप जरूर इसको करके मेरे को सेंड कीजिएगा। ठीक है, यहाँ अब आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 20 मीटर लेंथ, लेंथ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 20 मीटर। ओके, फिर बोल रहा है मैग्नीन वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है कितना, 0.23 ओके मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फिर
कैलकुलेट दी वाटेज। वाटेज का मतलब क्या पूछ रहा होगा? पावर, पावर पूछ रहा होगा। ओके, ऑफ द हीटर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, वोल्टेज उसमें हमने कितना दे दिया है? 200 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है क्या कि कितना पावर होगा। सो इन सबसे रिलेटेड आप, अच्छा रेसिस्टिविटी भी दे रखा आपको क्वेश्चन में, रेसिस्टिविटी दे रखा 4.6 × 10⁻¹। ओके, तो अब आप यहां से अगर ध्यान देंगे तो ओम मीटर है ये। ठीक है, तो जब आप ध्यान देंगे तो इन सारी चीजों से आपको पावर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला सूट कर रहा होगा बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि ये सब इंफॉर्मेशन से पावर आपका निकलेगा? एनी आइडिया? वी स्क्वायर अपॉन आर। हाँ यस, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन आपका रेसिस्टेंस दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? इज द रेसिस्टेंस गिवन और नॉट? नो सर, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले रेसिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन है, रो है, एल है, ए है, तो हम लोग रो एल अपॉन एरिया है ना कर देंगे। तो रो आपका दे रखा है कितना? 4.6 × 10⁻¹ इंटू एल 20 मीटर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एरिया 0.23 मीटर स्क्वायर। यहां से एक डेसिमल हटाएंगे तो यहां पर कितना होगा? 100। यहां से डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो गया? 10। 23 को 23 × 2 करेंगे 46 आ जाएगा। एक 10, एक 10 आपका यहां से खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 × 2 कितना? 4 × 10⁻¹ कितना हो जाएगा? ये -7 है और यहाँ 100 है, तो 10⁻² हो गया ये, है ना। तो -7 + 2 तो कितना हो जाएगा? -5। तो रेसिस्टेंस आपका आ गया 4 × 10⁻¹। ओके, अब आपसे पावर पूछ रहा है, तो अब हम लोग पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर लगा सकते हैं। पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर यूज कर सकते हैं। वोल्टेज आपको क्वेश्चन में गिवन था 200 वोल्ट, तो यहाँ पर हमने रख दिया 200, यहाँ भी हो गया स्क्वायर है तो 200, और डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻¹। ओके, तो अब आप इसको अगर देखेंगे, ये 2 × 2 ऊपर में अलग हो गया, 4 × 10⁻² कितना हो गया? 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से 10⁴। ओके, डिवाइडेड बाय 4, और 10⁻⁵ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, 4 और 4 कैंसल आउट हो गया, समझ रहे हैं? तो अब क्या बचा आपको? 10⁴ और 10⁵। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 10⁴ + 5, दैट कम्स आउट टू बी 9। ओके, सो दिस इज 10⁹। पावर पूछा है, सो दिस इज वाट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सो आपका असाइनमेंट 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप चलिए असाइनमेंट 5 कंप्लीट हो गया, अब असाइनमेंट 6 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, और ये जो असाइनमेंट है आपका, जो नोट्स पिछले वाला कंप्लीट हो गया था आपका, रेसिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल का नोट्स हो गया था, उसके बाद आप असाइनमेंट 5 असाइनमेंट 6 सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, और पहले भी कर चुके हैं, फेयर कॉपी में एकदम बिल्कुल जैसे मैं सेंड कर रहा हूँ सीक्वेंस करते चलिए। ठीक है, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन दिए हैं मैंने, अभी इसके ऊपर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए। अब सीरीज पैरेलल रेसिस्टर के बारे में, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम, एक 4 ओम की वायर है, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये फिगर आपको दे रखा है, ये एक सर्कल है जिसका पूरा का पूरा रेसिस्टेंस जो है वो 4 आर है। ठीक है, सो व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस? इफेक्टिव रेसिस्टेंस देखिए, आप टोटल रेसिस्टेंस बोलिए, इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोलिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलिए। ठीक है, ये सब आप लोगों को 10th में सिखा रखा होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये सब का मीनिंग एक ही होता है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये सभी
एक ही टर्म है, सबका मीनिंग यही होता है. ओके okay? और भी इस तरह से कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं मेनली जो जहां पे भी इस तरह से दिया हुआ रहता है, हम यही चीज को एज्यूम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर. तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसके दोनों एंड्स को इस तरह से हम लगा दिए, यहाँ पे अलग से सर्किट बना लेते हैं, एक ए हो गया एक बी हो गया. ओके, अब इस ए और बी के बीच में, ठीक है, एक बार आपका ये क्या है 2R यहाँ पर है, ऊपर से जा रहा है, दैट इज इसको हम कैसे लिख दें ए और बी के बीच में. ठीक है, इस तरह से 2R. ठीक है, और दूसरा जो है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ओके ऐसे इसको करते हैं, थोड़ा जिस तरह से दे रखा है वैसे ही ये हो गया 2R और ये भी है 2R. ओके, और ये है आपका A और ये है B. ठीक है, A से ऐसे गया, यहाँ से 2R ऊपर और यहाँ से 2R नीचे, फिर इधर B. ठीक है, अब ये देखिए 2R और 2R दोनों किस में है, सीरीज में या पैरेलल में, A और B के बीच में, ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल में. पैरेलल में. तो पैरेलल, जब पैरेलल है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था, R इक्विवेलेंट इन पैरेलल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R अपॉन L बताया था, तो है ना, अगर पैरेलल में हो तो. ठीक है, शॉर्टकट है ये. तो टोटल रेसिस्टेंस कितना, मतलब रेसिस्टेंस R जो है यहाँ पर क्या, रेसिस्टेंस ऑफ ईच वायर. ठीक है, तो दिस इज 2R डिवाइडेड बाई कितने रेसिस्टर्स हैं, कितने हैं, कितने रेसिस्टर्स हैं, टू. तो इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ गया आंसर R. ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका लगाइए, 2R वाला है. ठीक है, तो पैरेलल में हम लोग फॉर्मूला पढ़े 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 यानी कि 1/2R प्लस 1/R2 1/2R. ठीक है, इसका सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा 2R, 2R से 2R कैंसिल हो गया तो बचा 1, फिर ये 2R से 2R कैंसिल हो गया बचा 1, ऊपर कितना 2/2R, ये इससे खत्म. ये है आपका 1/R इक्विवेलेंट. 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R, सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया R. ठीक है, समझ आ रहा है, यहां से भी आपको वही मिला. मैंने एक और चीज आपको नोट्स में दिया होगा, शॉर्टकट मेथड. ठीक है, शॉर्टकट मेथड से भी आप जब करेंगे तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको बताया था R1 into R2 यानी कि 2R into 2R. ठीक है, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 यानी 2R प्लस 2R. ओके, तो 2 into 2 कितना हो गया ऊपर 4R स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2R प्लस 2R कितना 4R. तो 4 से 4 कैंसिल, R स्क्वायर से R कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा R बचा. ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं, तीनों तरीके में से आपको जो सही लगे आप वो कर लीजिए. ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर. ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. तो ये सब देखिए इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके पास थोड़ा, आपने खुद से भी किया होगा बट थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका जो है इंक्रीज हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है और आगे चल के आपको ये सब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब बोल रहा है 3 रेसिस्टर्स 2 ओम 3 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 10 वोल्ट, सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर. ठीक है, तो यानी इसको हम थोड़ा डायग्राम बना दें इसका, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है और एक 4 ओम का है. ठीक है, ये तो तीनों को जो है एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया, यानी कि वायर सिंगल है और इसको कनेक्ट कर दिया किससे, 10 वोल्ट की बैटरी से. ओके,
दिस इज कनेक्टेड विद अ 10 वोल्ट बैटरी, क्लियर है? ठीक, यहाँ से आपका आई करंट निकल रहा है। तो पहले हम लोग क्या, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई? ठीक है, तो यहाँ से आप ये बताइए कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितना आ रहा होगा? पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है? आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगा, यानी पूरे तीनों सीरीज में है तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बताइए? आरपी, आरपी सर, आई आर वन प्लस आर टू, आई आर वन प्लस आर टू, आई इंटू आर वन प्लस आर टू। मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा हूँ, आर वन इंटू आर वन इंटू आर टू। कितने सालों से पढ़ाई नहीं की है? सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ाई की है, पढ़ी है? यस सर। क्या बताया था सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? नोट्स लिखा कल वाला? यस सर। नोट्स में देखो क्या लिखवाया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर वही है, वही है सीरीज रेजिस्टर्स इन सीरीज वाला टॉपिक निकाला अपने नोट में। यस सर। हाँ, क्या लिखा है उसमें? सर एन इनटू आर, एन इनटू आर, लास्ट में मत देखो, उसके ऊपर देखो, वो तब होता है जब सारे रेजिस्टर्स इक्वल होते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फिर। सर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस, हाँ ये है ना, आर एन, फिर यहाँ पर वही वाला लगेगा ना, अलग अलग रेसिस्टर है, वो एन इंटू आर तब होता है जब सारे रेसिस्टर इक्वल हो, तो क्या करेंगे, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो टोटल कितना हो गया बताइए? नाइन ओम, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आर, ठीक है? तो V हमारा 10 वोल्ट था और R हमारा कितना, 9, तो 10 अपॉन 9 एम्पियर आपका करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है? तो यहां से आपका इस जगह पर जो वोल्टेज होगा वो कितने के बराबर होगा, यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 कितना होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इक्वल्स टू V1, V1 इक्वल्स टू क्या हो गया, I इंटू R1, ओके? समझ आ रही बात, आई यहाँ पर करंट, क्योंकि सीरीज में सब जगह पर करंट सेम फ्लो होता है, यहाँ पर आई करंट कितना है, 10 अपॉन 9, ओके? तीनों में सेम करंट फ्लो होगा, इनटू R1, R1 कितना है आपका, 2 ओम, तो इनटू में 2, तो ये कितना हो गया, 20 अपॉन 9, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 9 2 18, फिर 2 आएगा, फिर 9 2 18, ऐसे ऐसे करेंगे तो 2.22 वोल्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इस जगह पर, तो I इंटू में R2, ठीक है? तो I तो आपका फिर से 10 अपॉन 9 है, इंटू में R2, यहाँ पर सेकेंड वाला रेसिस्टेंस कितना है, 3 ओम, तो ये हो गया आपका 10 इंटू 3, 30 अपॉन 9, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 27, तो 3.33 वोल्ट ऐसे आएगा। सिमिलरली V3 अगर आपको निकालना है, V equals to I into R3, okay? So this comes out to be 10 upon 9 into R3 आपका कितना है, 4, ठीक है? So 10 upon 9 into 4, this is 40 upon 9, it comes out to be 4.44 volt, okay? आ रहा समझ में सबको कि नहीं आया? आ गया सर। आया? ठीक है, आज अभी सब कोई देखिए, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लीजिए अभी भी, ठीक है? अब ये क्लास 10th की चीजें सारी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको 12th के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अब यहाँ से चैप्टर थोड़ा टफ हो जाएगा आपको, जब ये सब चीजें नहीं आ रही है तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है अभी आगे, ठीक है? समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
given 330 ohm resistor. How can you connect them to give effective resistance of 90 ohm, 45 ohm, 10 ohm and 20 ohm? प्रांजलि आपका यही डाउट था क्या? यस सर, यही वाला। ठीक है, ये देखिए 30 ओम रेसिस्टर है, इससे कितने हैं 30 ओम वाले? तीन रेसिस्टर है, तो उससे 90 ओम लाना है। तो 90 ओम लाने के लिए क्या करेंगे? ये हो गया 30, फिर दूसरा हो गया 30, और फिर तीसरा हो गया 30, सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, तो कितना मिला आपको? 90 ओम मिल गया। आ रहा है समझ में? यस सर। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? ऑल थ्री आर वी विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, देखिए आपको मैंने टेक्निक बताया था कि अगर सीरीज में ढेर सारे रेसिस्टर्स कनेक्ट करते हैं तो जो उन सब का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो सबसे बड़े से भी बड़ा होता है। ठीक है, तो 30 से बड़ा, ये जो 90 है वो 30 से बड़ा है, इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है उसमें 30 को, सारे 30 वाले को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? और ये क्लियरली दिख रहा है, लेकिन अब आपको क्या बोल रहा है? 45 ओम बोल रहा है, तो 45 ओम ये भी 30 से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन तो आएगा ही आएगा, पैरेलल में। देखिए सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज मोर देन द लार्जेस्ट, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट, है ना, सबसे छोटे से भी छोटा। जैसे देखिए आप यहाँ 10 ओम आ रहा है, तो 10 ओम से छोटा कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि पैरेलल में आप कनेक्ट करेंगे तो ही 10 ओम आएगा। 10 भी है 20 भी है, लेकिन दोनों में छोटा कौन सा है? 10। तो आप ये समझ लीजिए कि 30 वाले में पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होगा। देखिए 30 30 30, तो फॉर्मूला मैंने बताया था R अपॉन N का, तो एक रेसिस्टेंस का, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है 30 ओम, कितने हैं? 3, तो R अपॉन N, तो हमारा 30/3 कितना आ गया? 10 ओम। यानी इन तीनों को आप पैरेलल में कंबाइन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे तो 10 ओम आएगा। ठीक है, अब बच गया कौन सा? 45 और 20 ओम। ठीक है, इसके लिए सोचिए, देखिए 45 कैसे आ रहा होगा? एक 30 होगा और दूसरा 15 होगा, तभी 45 आ रहा है आपका, है ना। तो 30 तो एक आपका है ही, अब ये 15 कैसे आएगा? तो दो 30 से 15 लाना है, दिमाग लगा लीजिए। अब एक 30 ऐसे हो गया और दो 30 को आप ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो 30 और 30 से कितना आ जाएगा? इस 30 और इस 30 पैरेलल से कितना आ जाएगा बताइए? 60। ये दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? 15 R अपॉन N, तो R आपका कितना है? 30 डिवाइडेड बाय N कितना है? 2। 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। अब ये 30 था, उस 30 के साथ ये 15 किसमें हो गया? सीरीज में। तो टोटल आपका कितना रेसिस्टेंस हो गया? 45 ओम। आई बात समझ में? अरे बोलिए। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है? 20 ओम है। ठीक है, तो 20 कैसे आएगा ये सोचना है। ठीक है, तो 20 है, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो कैसे रखेंगे कि ये 20 आना चाहिए? एनी आइडिया? दो को सीरीज में और एक पैरेलल। यस, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो को सीरीज में लगा देंगे। ठीक है, इस दो को सीरीज में लगाए, 30 और 30। ओके, और इस दोनों के साथ हम क्या करेंगे, एक जो और दूसरा 30 है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ओके, ऐसे, और इसमें आप बैटरी लगा दीजिए जो भी लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे आ रहा है, 30-30 का दोनों मिलकर कितना हो गया? 60। ठीक है, तो ऊपर 60 ओम और नीचे 30 ओम, तो 60 और 30 दोनों अब किस में हो गया, पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल में। तो पैरेलल में आपको शॉर्टकट बताया था, जब सेम नहीं हो, जब सेम रहता है तो R by N करते हैं, जब सेम नहीं है तो हम लोग शॉर्टकट लगा लेंगे। तो शॉर्टकट
फॉर्मूला आता है ना, आर वन इंटू आर टू यानी कि 30 इंटू 60, ठीक है, समझ गया ना, आर वन इंटू आर टू और डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, ठीक है, ये शॉर्टकट था आपका, दिस इज आर वन प्लस आर टू, तो 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60 कितना हो गया 90, तो 30 से 90 कितनी बार में, 3 बार में, 3 से 60 कितनी बार में, 20 बार में, तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 20 ओम आ गया, 20. समझ आ रहा है सबको? यस सर, ठीक है, तो उसी तरह से, ठीक है, क्योंकि टाइम अब हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आप ट्राई करिएगा, ठीक है, सेम यही सब कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका उसी पैटर्न पे आपका 3 रेसिस्टर्स ऑफ 2, 4 एंड 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट रेसिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, पहले पैरेलल से इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है, अब फिर जो भी रेसिस्टेंस आएगा उसको सीरीज में कनेक्ट करना है उसके साथ, ताकि टोटल रेसिस्टेंस आपका 10 ओम आ जाए, ठीक है, तो इन तीनों का पैरेलल से आर इक्विवेलेंट प्लस में उसके साथ में सीरीज वाला जो भी आर हम लोग मान लेंगे आर इन सीरीज, और ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10 ओम आना चाहिए, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सीरीज वाले का वैल्यू निकल जाएगा, ओके। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन रेसिस्टर्स 6 ऑन ईच, ठीक है, एक 5 ओम रेसिस्टर है, ठीक, इसको आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, जिसके साथ भी करेंगे वो सबका सम के साथ आएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एम एन रेसिस्टेंस ऑफ 6 ऑन ईच, तो एक का 6 है तो एन रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, 6 अपॉन एन, ठीक है, और ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 7, ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 5 उधर चले जाएगा, तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, 6 अपॉन एन इक्वल टू क्या हो गया 2, तो एन की वैल्यू आ गई 6 इंटू 2, तो ये एन उधर जाएगा 2 इधर आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 रेसिस्टर्स आप लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग 300 ओम रेसिस्टर्स इन ऑल पॉसिबल वेज, ऑल पॉसिबल वेज में ये 4 जो यहाँ पर था, या तो आप तीनों को सीरीज में रखिए, तीनों को पैरेलल में रखिए, 2 को सीरीज 1 पैरेलल 1 सीरीज 2 पैरेलल, है ना, ये चारों पॉसिबल वे से आप निकाल के, है ना, पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिएगा, ठीक, ठीक है, और जब बस वही है, चारों तरीके से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक ही जैसा है, ठीक है, ओके, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे आज सभी को ही कंप्लीट कर